हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा अनुभव शेयर करेंगे आपसे अडेनियम प्लांट के बारे में। अडेनियम प्लांट हर साल रिपोर्ट करना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि हम अनुभव से ही सब बातें शेयर करते हैं, अडेनियम के बारे में हो या सभी प्लांट्स हो। तो उसके पहले ये सभी बातें तो शेयर करेंगे ही, और हमारा 12-13 साल का अडेनियम का जो प्लांट है वो सबसे बड़े प्लांट है दो हमारे गार्डन में, वो भी दिखाएंगे, उसके कोडेक्स दिखाएंगे, उसको कितने बार रिपोर्ट किया है 12-13 साल में वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे अडेनियम पे आए फ्लावरिंग कलरफुल हर कलर के ग्राफ्टिंग वाले, डबल पेटल वाले, रोजी वैरायटी के, सिंगल पेटल वाले सभी अडेनियम के जो प्लांट्स है, विंटर हो, बारिश हो, समर हो, समर तो इसका फ्लावरिंग का टाइम रहता ही है, लेकिन साल भर हमारे अडेनियम एक दो नहीं पूरे फ्लावर से भरे रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, पूरे विंटर में इतनी ठंड थी तो भी हमारे अडेनियम के प्लांट्स डोरमेंसी में गए नहीं, रेस्ट पे गए नहीं, पूरे विंटर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करते रहे, आपसे शेयर भी किया है। और कुछ बातें ये भी शेयर करना चाहते हैं कि जो हमारा अडेनियम का सॉइल मिक्सचर है, कुछ नहीं रहता है उसमें, रेत मिट्टी और खाद ज़्यादा कुछ नहीं मिलाते, बस इतना ही मिलाते। बोन मील का भी कभी हम यूज़ नहीं करते, हम वेजिटेरियन हैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाते, कभी देखा भी नहीं कैसा रहता है। तो यही राख हल्दी और हमारे घर में जो कंपोस्ट बनाते हैं उसे ही कभी कभी अडेनियम को दे देते हैं। तो फ्री के ही इसे जो भी खाद हम देते हैं तो अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं, हेल्दी बने भी रहते हैं। और बहुत बार शेयर किया भी है कि हम एक दिन छोड़ के या डेली, अभी तो समर में हम डेली ही पानी देते हैं क्योंकि मिट्टी ड्राई हो ही जाती है। विंटर में भी हम प्लांट की साइज़ देख के, प्लांट कितना बड़ा है, उसका पॉट कैसा है, प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कभी कभी डेली ही पानी दे देते हैं और कभी कभी एक दिन के बाद पानी देते थे, और बारिश में अगर बारिश है तो पानी नहीं देते, अगर बारिश नहीं है तो पानी, मिट्टी सूखी है तो पानी दे देते हैं। ये सबसे अलग हमारा तरीका है अडेनियम के देखभाल करने का। हर बार जब भी अडेनियम के प्लांट आते हैं उसका वीडियो शेयर करते हैं, तो आपसे ये बातें शेयर करते ही हैं क्योंकि न्यू कभी कभी फ्रेंड्स रहते हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाते हैं, तो हर बार हर एक वीडियो अडेनियम का देखते नहीं हैं, इसलिए ये बातें हम शेयर करते हैं। और इसलिए भी करते हैं कि तरीका तो अलग है लेकिन प्लांट भी हेल्दी बने रहते हैं। और जहाँ सबके विंटर में प्लांट्स अडेनियम के सोए रहते हैं और हमारे अडेनियम के प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं, देखिए कितने अच्छे से इसको फ्लावर आए हैं, इसके कलर देखिए, इसमें भी मल्टी कलर है, बहुत सुंदर ये फ्लावर लग रहे हैं। अडेनियम पे अभी कुछ वर्क बाकी है, जो ये हमारे कुछ ब्रांचेस अडेनियम की लंबी लंबी हो गई है लेकिन पूरे फ्लावर से हमेशा ही भरी रहती है, कलियाँ भी बहुत सारी रहती है, तो ऐसा लगता है कि फ्लावर्स ख़त्म हो जाए तो इसे कट कर देंगे ब्रांचेस को, फिर से वहाँ 2-3 ब्रांचेस बढ़ेंगी और हमारा प्लांट घना होगा, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। और इसके फ्लावर बहुत दिनों तक बने रहते हैं और फ्लावरिंग होती ही रहती, तो इच्छा नहीं हो रही है प्लांट को कट करने की या ब्रांचेस को कट करने की। तो देखते हैं अब क्या करते, कैसा करना है, तो शेयर करेंगे ही आपसे। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, कि अडेनियम प्लांट को हर साल रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो 2-3 ऐसे कारण होते हैं रिपोर्ट करना चाहिए, वरना प्लांट को हर साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहला तो कारण है कि अडेनियम का कोडेक्स जो है बहुत बड़ा हो गया है,
पॉट साइज उसके हिसाब से छोटी हो रही है, तो और उसके रूट्स भी बाहर निकल रहे हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे समय आप न्यू पॉट दे के, न्यू मिट्टी दे के अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका पॉट खराब हो गया है, चाहे वो मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो, तो टूट गया, खराब हो गया, तो आप ऐसे समय अडेनियम की रिपोर्टिंग कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि आपका जो कोडेक्स अंदर मिट्टी में रहता है या मिट्टी वाला जो भाग रहता है, ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अंदरूनी ही कुछ खराबी हो रही है, खराब हो गया है कोडेक्स आपका, तब निकाल के उसको कट करके उसका ऑपरेशन करके फिर से रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसे समय में ही आप रिपोर्ट करें या अडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए, वरना हर साल रिपोर्टिंग की आपका प्लांट अच्छा है, पॉट साइज भी अच्छी है, रूट्स भी बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर साल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपका प्लांट हर तरफ से सही है, पॉट में अच्छा चल रहा है, फिर आप हमें बताइए रिपोर्टिंग आप क्यों करें? कि आपको ऐसा लगता है कि इसके कोडेक्स बड़े नहीं होंगे, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होंगी? नहीं, ये गलत बात है। कोडेक्स तो बड़े होते ही है, और कोडेक्स बड़े होने के साथ साथ अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो हम बताते हैं आपको कोडेक्स कैसे बड़े होते हैं। दो कारण हैं कोडेक्स बड़े होने के, हमने देखे हैं, और एक दिन हम आपको हमारे पूरे अडेनियम के कोडेक्स ही दिखाएंगे, जब हम हर प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो कोडेक्स अच्छे से आप देख पाएंगे। बिना रिपोर्टिंग किए कोडेक्स कैसे बड़े होते हैं, दो बातें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात है कि जैसा ही फरवरी मार्च आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट विंटर में डॉर्मेंसी में गए हैं, लैगी हो गए हैं, ऐसे वक्त आप सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग अडेनियम के प्लांट की कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि कोडेक्स बड़ा होता है, तो सभी एनर्जी जो हम ब्रांचेस वगैरह कट करते हैं, तो आधी एनर्जी ब्रांचेस में भी चली जाती है, तो ब्रांचेस कट करते हैं तो कोडेक्स ज़्यादा घना यानी बड़ा होता है, मोटा होता है। और दूसरा कारण है, ये काम बारिश में नेचर अपने आप कर देता है, ये भी हमारा अनुभव है। जैसे ही बारिश आती है, जितना आपका प्लांट का कोडेक्स है, उससे दो गुना तीन गुना बारिश में आप प्लांट रखेंगे, पूरे बारिश का पानी आप अडेनियम को पिलाएंगे, तो कोडेक्स की साइज़ बहुत तीन चार गुना बढ़ जाती है, ये भी हमारा अनुभव है। तो इस तरह से कोडेक्स मोटे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, आपके पास टाइम है, हर साल रिपोर्टिंग करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी देखिए, हमारे पास बहुत सारा अडेनियम का, अभी तो 100 प्लांट का कलेक्शन है, और इसके बाद लास्ट ये आने वाले साल में 300-400 प्लांट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो सोचिए, हमें कोई भी प्लांट हो हर बार रिपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता। कई कई प्लांट तो ऐसे रहते हैं कि 15-15, 20-20 साल, जो कारण आपको बताए हैं तब तक हम रिपोर्ट नहीं करते, चाहे वो अडेनियम का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, तो भी हमारे प्लांट पे अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है, प्लांट भी हेल्दी बना होता है। तो आपकी इच्छा होंगी तो आप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा 12-13 साल का अडेनियम का प्लांट है, इसको हमने अभी तक 3 बार रिपोर्ट किया है। अभी इस बार हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे इसकी, बस इसके ब्रांचेस जो है, इसके फ्लावर ख़त्म हो जाए इंतज़ार कर रहे, लेकिन इसके फ्लावर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये फ्लावर से भरा ही है, इच्छा नहीं हो रही है इसे कट करने की, तो बस इसके ब्रांचेस हम कट कर देंगे तो प्लांट घना होगा, फिर से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, तो उतनी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो इतनी मोटी मोटी इसकी ब्रांचेस है। लास्ट ईयर हमने
ए दोनों को रिपोर्ट किया था, ए वीडियो शेयर भी किया था आपसे। यूट्यूब पे हमारा वीडियो है इसे रिपोर्टिंग का, तो सभी बातें उसमें क्लियर की थी। सबसे पहले हमने ये प्लान की रिपोर्टिंग 6 साल बाद की। 6 साल ये मिट्टी में दबा रहा, इसके कोडेक्स भी मिट्टी में दबे रहे। 6 साल के बाद हमने इसे रिपोर्ट किया, उसके बाद और 3 साल के बाद रिपोर्ट किया, और उसके बाद लास्ट ईयर आपके सामने रिपोर्ट किया। ऐसे हमने ये 3 बार रिपोर्ट किए हैं। ये प्लांट दोनों भी इतने हेवी है, अकेले उठाना मुश्किल होता है, तो भी उठाते हैं हम। इसके कोडेक्स हम अच्छे से क्लियर दिखा नहीं पा रहे, बराबर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मोटे मोटे हैं। और फ्लावरिंग तो आप हमेशा देखते ही है, 13 साल में 3 बार रिपोर्टिंग और फ्लावरिंग भी हमेशा ज़बरदस्त साल भर बनी रहती है। इसके कोडेक्स देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कितना मोटा हो गया है। अभी पॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 साल अच्छे से चलेगा ये प्लांट। लास्ट आने वाले नेक्स्ट ईयर हम इसे रिपोर्ट करेंगे, अभी इस बार नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए यही हमारा अनुभव था। इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी मोटी मोटी हो गई है, और ये दूसरा प्लांट है, इसका भी कोडेक्स बहुत मोटा है और बड़ा भी है, तो अपने आप बढ़ता ही है। कहने का मतलब हमारा यही था कि हर साल रिपोर्टिंग ना करते हुए भी अडेनियम फ्लावरिंग भी करता है और कोडेक्स भी बड़े होते हैं। तो हमारे पास टाइम तो नहीं रहता इतना हर साल रिपोर्टिंग का, इसलिए हम करते नहीं। इसलिए सीखे हम कि हर साल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। और ब्रांचेस भी देख रहे हो आप इतने मोटी मोटी, और कोडेक्स भी अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिपोर्टिंग हर साल क्यों करें। यूट्यूब पे तो हम अभी आए हैं, इसलिए ये सभी हम बातें हमारे फ्रेंड से सुने हैं, नहीं तो हम पहले यूट्यूब देखते भी नहीं थे और कुछ अनुभव भी नहीं था। जो हमें लगता था वही हम प्लांट के साथ करते थे, सीखते थे कि उन्हें प्लांट को क्या चाहिए, ये प्लांट को क्या चाहिए, वो प्लांट को क्या चाहिए, कब ये फ्लावरिंग करता है। इतना हम खुद से ही प्लांट की देखभाल करते करते इतने सालों में हमने सीखा है, क्योंकि हम नेट का भी यानी इंटरनेट का यूज़ नहीं करते थे, अभी अभी करने लगे, तो उसके बाद यूट्यूब पे आ गए। तो हम हमेशा ही बिना अनुभव के ही हर प्लांट को देखते थे, उनको क्या चाहिए क्या नहीं ये सीखते थे, और वैसे ही हम बिना अनुभव के हमारे प्लांट की देखभाल करते थे। तो धीरे धीरे सब पता चल जाता है कि ये प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो खुद से ही ये सब बातें सीखते गए। प्लांट के साथ रहते रहते अनुभव आता गया, इनकी देखभाल करते करते सब सीखते गए, और वही बातें आपसे शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बाकी कोई तो साधन नहीं था कि, और पहले इतना था भी नहीं कि यहाँ से पता करें वहाँ से पता करें, लेकिन हमने जैसे भी हमारे प्लांट की सेवा की, देखभाल की, हमारे प्लांट ने हमारा साथ दिया। हमारे अडेनियम के प्लांट हो या और भी हमारे गार्डन के 1,500-2,000 प्लांट हो, हमेशा ही हमारे साथ बने रहे। उनका आशीर्वाद भी है, उनका गुड लक भी हमारे साथ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा अनुभव था वही बातें शेयर की है। ओके फ्रेंड्स, बाय।